आप भी अपना फोन का पासवर्ड लगाने के बाद भूल चुके हो और अपने ऐप लॉक को नहीं खोल पा रहे हो, क्योंकि आपके जो ऐप्स हैं वो लॉक हो रखे हैं और आप उनका पासवर्ड भूल चुके हो। क्या साथ ही साथ आपने अपने फोटोज और ऑडियो जो वीडियो रहती हैं आपकी, वो आपने हाइड कर रखी हैं, मतलब कि आप अपना प्राइवेट सेव का भी पैटर्न या फिर पासपोर्ट कोई भी चीज जो आपने लॉक लगाया हुआ वो भूल चुके हो, तो उसको कैसे रिकवर करना है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि रियलमी XT के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को मेरे पास कमेंट आए हैं, तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज से आप ये मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आप अपने फोन का कैसे पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, जो आपका ऐप लॉक पासवर्ड रहता है, साथ ही साथ आप अपने प्राइवेट सेव का जो लॉक रहता है उसको भी कैसे रिकवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको अपना पासवर्ड याद है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी रियलमी का डिवाइस है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि रियलमी के सारे फोनों में ये ट्रिक्स काम करेगी, चाहे वो आपका रियलमी X हो या फिर रियलमी XT हो, क्योंकि सारे के सारे डिवाइसों के अंदर आपको रियलमी UI का अपडेट आ चुका है और रियलमी UI देखने को मिलता है। तो ये वीडियो सिंपल सा सारे फोन के अंदर ये ट्रिक्स जो है वर्क करती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने पासवर्ड को कैसे रिकवर करेंगे, साथ ही साथ आप अपने ऐप लॉक के पासवर्ड को कैसे अपने रिकवर करते हैं और फिर उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज से वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स सिंपल सा अगर आप अपने, जैसे कि आपने एप्लीकेशंस में लॉक लगा रखा है, जैसे कि मैंने ये लॉक लगा रखा है और मैं इसका पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो मेरे पास ये Realme X का डिवाइस है, क्योंकि Realme के सारे फोनों में एक ही Realme UI रन करता है। तो आपके पास अगर Realme XT हो, Realme X हो, तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये ट्रिक्स को फॉलो करके अपने पासवर्ड या अपने पासकोड को रिकवर कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि मेरे को ये पता नहीं है तो मैं इसको नहीं खोल पा रहा हूं, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, इसको कैसे हम रिकवर करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा हम चलते हैं पहले सेटिंग में। ठीक है, तो आपको सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और फिर आपसे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्राइवेसी का। ठीक है, तो प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, फिर आपको नीचे आना है। तो जैसे कि आपको पता होगा प्राइवेट सेफ और ऐप लॉक दोनों का एक ही ऐप रहता है, तो अगर आप एक का भी रिकवर कर पाए तो आपका दोनों चीज़ ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम चलते हैं ऐप लॉक में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका लॉक मांग रहा है ये मेरे को पता ही नहीं है, तो जब मैं इसको भूल चुका हूँ तो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एक फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो आप कोई भी एक चीज़ यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है रीसेट थ्रू सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको थोड़ा माइंड लगाना है आपको, क्योंकि जब आपने पहली बार अपना ऐप लॉक सेट किया था, ठीक है, या फिर आपने अपना पहली बार प्राइवेट सेफ में पैटर्न डाला था या फिर ऐप लॉक डाला था या फिर पासकोड डाला था, जो भी आपने डाला था, तो उस टाइम आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया होगा। वह क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ नेम ऑफ योर टीचर्स, ठीक है, कोई भी एक नाम आपने डाला होगा वहाँ पे। ठीक है, आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा होगा, तो यहाँ से इसने पूछा हुआ है मेरे से व्हाट इज़ द नेम ऑफ वन ऑफ योर टीचर्स। ठीक है, तो मेरे जो टीचर्स है उसका मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मैं अपने सर का यहाँ पे नाम डालता हूँ। ठीक है, और फिर देखते हैं कि मुझे याद है या नहीं है, तो इसको करते हैं हम डन। तो ये मेरा ओके हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरे को यही याद था, मेरे को मैंने डाल दिया। अब यहाँ से आप देखोगे कि आपको यहाँ पे अपना पासकोड भी डाल सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं, सेट प्राइवेसी पासवर्ड, न्यू प्राइवेसी पासवर्ड आप लगा सकते हैं। ठीक है, अदर इंस्क्रिप्शन मेथड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जाके आप अपने पैटर्न कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको पैटर्न कोड करता हूँ और अब मैं यहाँ पर डालता हूँ अपना जो मेरे को नया सेट करना है। ठीक है, वो तो क्योंकि मेरा गया होगा गैप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नया सेट कर दिया हूँ ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अब ये मेरा नया सेट हो गया। अब मैं इसको जाके यहाँ से अपने कोई भी ऐप लॉक को यूज़ करूँ तो मैं अपने किसी भी एक ऐप लॉक को खोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेरीफाई पासवर्ड पर करता हूँ। ओके, और मैंने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो सॉरी ये मेरा कंप्लीट नहीं डाला, अब ये ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के पासवर्ड, आपका जो ऐप लॉक पासवर्ड या फिर आपका प्राइवेसी पासवर्ड है जो आप भूल चुके हो, वो आप इस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इसको हम चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि हमको याद भी है और हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो हाउ टू चेंज योर ऐप लॉक पासवर्ड, हाउ टू चेंज योर प्राइवेसी पासवर्ड, हाउ टू चेंज योर प्राइवेट सेफ पासवर्ड। ठीक है, तो ये सब इसके टैगलाइन रहते हैं। तो सिंपल सा आपको सेटिंग में चलना है, हम चलते हैं सेटिंग में। ओके, सेटिंग में आने के बाद आपको फिर से प्राइवेसी में नहीं जाना, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड। ठीक है, अगर आपके फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट नहीं है, कोई आपका रियलमी सी थ्री या आपके पास डिवाइस या फिर जो फ़ोन आपके पास फिंगरप्रिंट वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फेस एंड पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा हम इस वाले सेक्शन में चलते हैं।
तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे प्राइवेसी पासवर्ड का, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ से आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड डाल देना है जो भी आपका है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टर्न ऑफ पासवर्ड कर सकते हैं आप, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख पाओगे यहाँ पे चेंज सिक्योरिटी क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ से भी आप देख पाओगे ऐसा कि अगर आपका क्वेश्चन आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वही सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है जो आपसे तब पूछता है जैसे कि आप अपना पासवर्ड को भूल जाते हो, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे करता हूँ चेंज पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे चेंज करने के बाद कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर राइट वाला डालता हूँ अपना, मैंने राइट डाल दिया। अब ये चेंज करने को पूछ रहा है सेट प्राइवेसी पासवर्ड, सेट प्राइवेसी पासवर्ड करने को पूछ रहा है। मैं यहाँ पे गया अदर इंस्क्रिप्शन मेथड पे जाता हूँ मैं, और यहाँ से मैं पैटर्न कोड चूज करता हूँ और अब मैं कुछ इस प्रकार से डालता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऊपर कर दिया, तो अब मैंने यहाँ पे अपना जो आपका प्राइवेसी पासवर्ड रहता है, ऐप लॉक का जो पासवर्ड रहता है या फिर आपका जो प्राइवेट सेव का जो पासवर्ड रहता है वो मैंने चेंज कर दिया है। तो अब इसका जो पैटर्न कोड है कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो ये तो मेरा अभी खुला हुआ है क्योंकि मैंने ये खोला था। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके, तो वेरीफाई पासवर्ड पे हम क्लिक कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम डालते हैं और ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, चाहे आपका प्राइवेट सेफ हो या फिर ऐप लॉक हो। आई होप के फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।